संसद में पेश हुए बजट का हो रहा है विरोध। ये विरोध कोई और नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ कर रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं पीएमएस मीडिया के साथ। वित्त मंत्री ने मोदी सरकार का आखिरी बजट संसद में पेश किया है। जहां बजट ने सुविधाओं के साथ काफी राहत दी है, तो वहीं बजट का विरोध भी हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ नाखुश है। इसी के साथ संघ ने बजट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि बजट में गरीबों और मजदूरों के लिए कोई भी राहत नहीं है। साथ ही उन्होंने बजट को अमीरों का बजट बताया है। इसी के साथ भारतीय मजदूर संघ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में प्रदर्शन किया है। साथ ही मोदी सरकार और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ नारेबाजी भी की है। दरअसल बजट पेश होने से पहले भारतीय मजदूर संघ और अन्य मजदूर संगठनों के नेताओं की वित्त मंत्री से मुलाकात हुई थी। इस दौरान नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों की बदहाली को दूर करने के लिए मांग की गयी थी, लेकिन बजट में वित्त मंत्री ने असंगठित क्षेत्रों के लिए कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्रों के 4 से 5 करोड़ मजदूरों की रोजी रोटी छीनी है। इसी के चलते नाराज संघ ने कल दिल्ली सहित कई शहरों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पीएमएस मीडिया में फिलहाल इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो पाए। खबरों के साथ हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।